birthday, dear wonderful. Happy birthday to you. Thank you. देख रहे हैं झांसी से अर्शद आब्दी के साथ। मैं आज आपको ऐसी हस्ती से मिलाना चाहता हूं, रूबरू कराना चाहता हूं वीपीएन न्यूज़ के माध्यम से, जो कि झांसी में ज़मीनी स्तर से कई सालों से समाज सेवा करते आ रहे हैं और जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। आइए फिर भी हम वीपीएन न्यूज़ के माध्यम से मुलाकात कराते हैं। सर, आपका नाम क्या है? बंटी शर्मा, आसरा सोसाइटी से कोष अध्यक्ष हूँ मैं। शर्मा जी, आपने अभी वर्तमान में क्या कार्य किए समाज के लिए? समाज के लिए तो हम लोग सारे कार्य ऐसे हैं जो कोई नहीं कर सकता है, वो हम लोग करते हैं। जैसे लॉकडाउन में राशन बांटा, अभी हाल ही में एक विकलांग महिला की किसी ने एक्टिवा छीन ली थी कुछ खुरों ने, वो हम लोगों ने कोतवाली थाने के माध्यम से दिलाई। फिर अभी खुशीपुरे में एक पैरालाइज का ब्रेन ट्यूमर का एक मरीज था, उसकी भी हम लोगों ने आर्थिक मदद करी। राशन अभी भी उसका इमरजेंसी में इलाज चल रहा है, थेरेपी वगैरह भी अवधेश ठाकुर जी ने दी, उसका इलाज अभी भी मेडिकल में चल रहा है। तो शर्मा जी, जैसा कि आप बता रहे हैं ज़मीनी स्तर से आपने लोगों का लॉकडाउन में, तो किस तरीके से आपने हेल्प करी? हर तरह की मदद करी है, राशन का मतलब राशन वगैरह करवाया उन्हें, सूखा राशन, खाने का सामान वगैरह, और भी जो मदद हम लोग कर सकते हैं जानवरों के लिए भी कराया हम लोग ने, गाय वगैरह को घास वगैरह खिलाया। खबर ऐसी सुनने को मिली है सूत्रों से कि आप जो अनमेरिड लड़कियां होती हैं, गरीब लड़कियां होती हैं, आप उनका फ्री ऑफ कॉस्ट शादी वगैरह में योगदान देते हैं? हाँ, हमारे पार्लर में जो लड़की गरीब है जिनका कोई भी नहीं है ना, तो गरीब लड़कियों को लहंगा ज्वेलरी मेकअप फ्री दिया जाता है। पूजा ब्यूटी पार्लर है हमारा सफर में जी, तो उधर फ्री दिया जाता है और सिखाते भी जो विडो लेडीज वगैरह हैं उन्हें फ्री, जो 25-30 हज़ार का कोर्स है वो फ्री सिखाया जाता है। 30 हज़ार का कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट समाज सेवा के तौर पर फ्री सिखाते हैं? सिखाते हैं। क्या शर्मा जी, आपसे एक बात और पूछना थी बस इसी के संबंध में कि वर्तमान में अभी आपका बर्थडे आया, लोगों ने आपको हार्दिक बधाई दी, आपके साथ उठे बैठे, लेकिन कोई एक विशेष कम्युनिटी के बारे में क्या आप इलेक्शन वगैरह लड़ना चाह रहे हैं कि या तैयारी में हैं आप उसकी? जिस तरीके से कल आपके बर्थडे में गैदरिंग देखी गई, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लोग मौजूद थे बिना किसी भेदभाव के पक्षपात के, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जिसकी आप मदद करेंगे वो हमेशा दिल में रखेगा, और मैं जिसकी भी मदद करता हूँ बिना किसी जाति धर्म देखे करूँ। कल मेरे बर्थडे पे मुस्लिम समुदाय भी आए, हिंदू भी आए, सिख भी आए, सारी मतलब सारे समुदाय के लोगों ने हमें अपना समझा और हमारा जन्मदिन मनाया अच्छे से। तालबेट भी हम लोग गए थे, वहाँ पे भी नेकी की दीवार चला। झांसी में क्या है कि बंटी शर्मा जी, झांसी में और भी NGO हैं और भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, ऐसी क्या खूबी है आपके अंदर की जो इतना रुझान पब्लिक का आपकी तरफ ही आकर्षित हुआ? NGO तो बहुत हैं और काम भी करते हैं, लेकिन हो सकता है आसरा सोसाइटी को पब्लिक ज़्यादा चाहती हो, शायद हम लोग उनके दिल में हों, हम लोग शायद उन पर खरा उतर रहे हों, उनकी मदद के तौर पर जो भी हम लोग कर रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है कि हम लोग कर रहे हैं, और इसीलिए वो लोग हमें दिल से चाहते हैं। और कल आप लोगों ने जो देखा है कि इतनी फूलमाला, मेरी खुद पहली बार ही जो इतने केक वगैरह कटे हैं 10-12 केक, तो खुद लाइफ में पहली बार कटे हैं इतने, क्योंकि ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है और ना कुछ ऐसा, सिर्फ जनता के दिल में रहना है। जिस तरीके से गैदरिंग देखी उस तरीके से लगा कि आप शायद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे किसी की अपन मदद करते हैं तो वो इंसान समझ लो अपन को भगवान समझ लेता है। अच्छा शिवन जी, आप शर्मा जी, आपसे एक बात और पूछना थी कि आपने ब्लड डोनेट अभी तक आज की डेट तक में कितने लोगों को ब्लड पहुंचाया? मैंने ब्लड कम से कम 100 से 200 लोगों को ब्लड पहुंचाया, जिसमें कि एक कड़वा सच ये भी है कि मैंने खुद आज तक ब्लड नहीं दिया, और मैंने लेकिन
बहुत लोगों को ब्लड डलवाया बिना किसी जाति बिना कोई धर्म, रोज डेली कोई ना कोई कॉल आता है और मेरी कोशिश रहती है ब्लड डोनेट, जिसमें कि मेरा एक छोटा भाई है प्रसून से भरे, वो तो करता ही रहता है ब्लड डोनेट हमारे के लिए। हाँ, हमारे जन्मदिन पे भी उसने ब्लड डोनेट किया और जल्दी ही हम लोग मेडिकल में एक कैंप लगाएंगे ब्लड डोनेट का, कम से कम 50-100 लड़के मेडिकल के लिए ब्लड डोनेट करेंगे हमारे। शर्मा जी, अब जो अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है जो कि खत्म पे एक प्रकार पे, लेकिन झांसी वासियों के लिए आप अपने बर्थडे, आपका कल तो बीपीए के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ आपकी जन्म दिवस की, और क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी के लिए? युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है, जरूरी नहीं है कि आप आसरा के साथ जुड़ के काम करें, सब अपने अगल बगल पड़ोसियों को अगर सब सहायता करते रहें बिना किसी जाति धर्म देके, तो आने वाले टाइम में आसरा सोसाइटी को आगे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सब कहीं ना कहीं छोटे बड़े किसी न किसी स्तर से हर किसी की मदद के लिए आगे आते रहें, जरूरी नहीं है आप आसरा को कॉल करें, आप खुद भी स्वयं भी मदद कर सकते हैं। बाकी हमारी जरूरत जहाँ पड़े तो सदर बाजार बंटी शर्मा नामी काफी है आसरा का, आप पूछ सकते हैं। आपसे बंटी शर्मा जी, आप देख रहे थे झांसी से बीपीए न्यूज़ अर्शद आप जी के साथ।